बात है और ये जो आपका सम्राट अशोक क्लब है, अब आज तो कई साल के बाद हमको बुलाए हमारे, लेकिन इसके पहले कितना बार मीटिंग की है जो हमारे। आखिर सम्राट अशोक जी की यादगारी में जो बिहार में किया गया है वो तो आप ही लोगों का सुझाव था, और जब मीटिंग में आते थे तो आप ही लोगों ने ये सब सुझाव दिया था। अब कितनी बार बिहार के उत्तर प्रदेश के लोग आते थे और हमको आपके उत्तर प्रदेश के भी कार्यक्रम में गए हुए, तो हम कहां कहां नहीं गए, सब जगह आपके कार्यक्रम में गए हैं। तो बहुत दिन के बाद फिर यहां कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और आज ही कुछ दिन पहले खबर मिली कि आप लोग करने वाले हैं और चाहते हैं कि हम भी आ गए, तो हमने कहा काहे नहीं जाएंगे। ठीक है, हमारा काम हम सम्राट अशोक जी के नाम पर किए हैं, आप समझ लीजिए। तो जो ये कार्यक्रम आप कर रहे हैं तो आपको तो पता ही नहीं जी, तो जो आप समझ रहे हैं इनके बारे में, तो जो है मौर्य साम्राज्य, तो जो पूरे प्राचीन भारत का शक्तिशाली राजवंश रहा, सबसे पहले उसकी स्थापना कौन किए, श्रद्धेय चंद्रगुप्त मौर्य जी, और उस काम में उसको प्रेरित करने वाले और बढ़ावा देने वाले कौन थे, आचार्य चाणक्य थे, तो वो लाए थे और उसके बाद तो फिर हुआ, और उनके चंद्रगुप्त मौर्य ने जो यहां पर काम शुरू किया। तो आप जब खाली सम्राट अशोक का बोलते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य से याद करिए, उनके जो एक लड़के थे वो उतना सक्षम नहीं था, लेकिन उसके बाद उनके पोते जो सम्राट अशोक को मौका मिला तो ये बहुत प्रेरित थे, बहुत तेज थे, और इनको भी चाणक्य साहब ने शुरू में ही कुछ बहुत चीजें सिखाया था, और उसके बाद इन्होंने काम करना शुरू किया। अब कितना एरिया बढ़वाए, जो इन्होंने स्थापित किया उसको कितना ज्यादा बढ़वाए, तो सब कुछ किए हैं। तो सम्राट अशोक साहब का तो जो कुछ भी काम था, लेकिन एक जगह जो झगड़ा हुआ उसमें जो काफी लोगों को नुकसान पहुंचा तो उनको तकलीफ होने लगी, और उसके बाद इनको लगा कि अब हमको ज्यादा कब्जा करने की जरूरत नहीं है, और उसके बाद उसी समय से इन लोगों ने अपना काम किया, बौद्ध धर्म से संबंध उसका किया, तो बुद्धिज्म से उनका रिश्ता हो गया, और कितना ज्यादा प्रचारित किया, अपने बेटे बेटियों को कहां कहां भिजवाए और सब जगह। तो ये सब चीज तो आप जानते ही हैं, तो आप लोगों ने जो उसी समय, तो हम लोग तो इन सब चीजों को जानते ही रहे, तो इतिहास है, लेकिन आप लोगों ने कहा कि भाई इसके लिए मनाना चाहिए, सम्राट अशोक जयंती होना चाहिए, तो फिर हुआ कि नहीं ठीक है, हमने कहा कि जरूर होगा, आज जरूर होगा, और सम्राट अशोक की जयंती के बारे में आप लोग जो अष्टमी का दिन तय किया, तो उस समय तो किसी को नहीं ना पता था भाई कि किस दिन उनका जन्म हुआ, उनकी जयंती क्या है, ये आप लोगों ने तय किया कि अष्टमी को ही माना जाए, तो हमने कहा ये बड़ा अच्छा दिन बता रहे। तो जब हम लोगों ने आप लोगों के कहने पर अष्टमी के दिन हम लोगों ने राज्य सरकार ने घोषित कर दिया सम्राट अशोक जयंती, और उस दिन के लिए एक दिन की पूरी छुट्टी का हम लोगों ने ऐलान किया, तो बड़े बड़े लोग काफी लोग कहने लगे कि भाई सम्राट अशोक का कहां जन्मदिन किसी को पता है जो आप करवा रहे हैं। तो हमने कहा कि आप काहे इसका विरोध कर रहे हैं, फिर हमने आप ही लोगों के बारे में बता दिया कि भाई सम्राट अशोक क्लब ने ये जो सुझाव दिया है ये कितना बढ़िया सुझाव दिया है, और अष्टमी के दिन करिएगा, कुछ नहीं जानते हैं, तो कोई एक दिन उन्होंने जो इतना काम किया और बुद्धिज्म को जो उन्होंने बढ़ावा दिया और ज्यादा, तो इसलिए उनको तो हम लोग कर रहे उसका कोई विरोध नहीं किया। तो जो अष्टमी के दिन हम लोगों ने तय कर दिया और उसी दिन से हो गया, और एक दिन की छुट्टी होती है, और बाद में फिर हमको लगा तो आप ही लोगों ने उनकी, हमने कहा कि भाई एक मूर्ति, तो कोई किसी का फोटो पता है, तो मूर्ति के बारे में उनका दो हिस्सा था, आप जरा सा देख लीजिए, तो दोनों तरह का आप ही लोगों के सुझाव पर
विशेषज्ञों को बुला करके हम लोगों ने वो मूर्ति करवाई, उसको देखते रहे, अब कितना बढ़िया मूर्ति बना, कहीं इतना बढ़िया आपको मूर्ति भेटाएगा, तो हम लोगों ने सब कुछ कर दिया। तो इसीलिए एक एक चीज के बारे में हम लोगों ने आप लोगों के सुझाव पर सब कुछ किया। तो जो कुछ भी आप लोगों ने कहा है, तो इसीलिए जो अष्टमी को हम लोग करते हैं और उसी के दिन जो पिछले ही बार हम लोगों ने कहा कि भाई माल्यार्पण भी होना चाहिए, जब उनकी मूर्ति एक बनाई गई है तो पिछले ही बार हमने घोषित किया, और आज से समझ लीजिए सरकारी तौर पर उनके मूर्ति का, पहले तो हम आते ही थे वहां, हर बार माल्यार्पण करते थे, लेकिन हमने पिछली बार कहा कि सरकारी तौर पर घोषित हो, तभी वही घोषित कर दिए। आप समझ लीजिए एक दिन की छुट्टी और दूसरा उनका माल्यार्पण, ये सब समझ लीजिए। तो इस सब का जो हम लोगों ने पूरा का पूरा जो किया, तो आप सभी लोगों को मालूम ही है कि जो भी हम लोगों ने, जो भी आप लोगों का सुझाव था उसको मानते हुए सब कुछ किया, और एक एक चीज जो इन्होंने आगे बढ़ाया था भगवान बुद्ध के काम को, तो जिस तरह से इन्होंने एक एक चीज किया है, अब क्या क्या चीज है जानते हैं कि सम्राट अशोक के समय कितने विश्वविद्यालयों की स्थापना उसी समय और उसके बाद किया गया, कहां कहां किया गया, तक्षशिला में, नालंदा में, विक्रमशिला में, कांधार आदि विश्वविद्यालय प्रमुख थे। अब एक तो तक्षशिला तो चला गया, अब हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हो गया, तब पाकिस्तान में, और हम जब एक साल गए पाकिस्तान तो हम वो भी देखने गए हैं, तक्षशिला विश्वविद्यालय भी हम जाकर के देख आए हैं कि सबसे पहले वही बना, अयोध्या का किया हुआ था, देख आए। अब वहां पर लेके पाकिस्तान का लोग भी सब हमको कहे कि हम भाई जाएंगे, तो ले गया वहां और जाकर के हम गए और एक एक चीज को देखा। तो ये सब चीज हम किए हुए, और उसके बाद यहां पर वाला तो मालूम है ना जी, तो यहां पर जो बना हुआ था आपका ये नालंदा वाला, तो वो तो टूट टाट किया था, खत्म हो गया था, तो हम लोग तो उसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसको मिलना चाहिए। अब उसके बाद तो खैर मिला, बहुत हम लोग उसके लिए भिड़े, लेकिन हम लोगों ने क्या किया था, तय हम लोगों ने तय किया था कि हम लोग फिर से नालंदा विश्वविद्यालय करवाएंगे, जो नालंदा का था वो पहले बना हुआ, तो उसी को हम लोगों ने बनवाएंगे। अब उसके लिए फिर उस समय की सरकार को हमने तय कर दिया, उसके लिए जमीन के लिए लगभग 500 एकड़ सब कुछ हमने राजगीर में खोद लिया, और बाकी सब फिर उस समय की केंद्र सरकार को भी हमने कहा, तो भाई अंत में वो मान लिए, और देश के दूसरे देशों के कितने लोग आए, और फिर वो यूनिवर्सिटी बनाने का, और हमने कहा कि जो नालंदा विश्वविद्यालय जैसा था पहले उसी तरह से, कितना दुनिया भर के लोग आते थे, 10,000 से ज्यादा लोग पढ़ते थे वहां पर, तो हम लोगों को चाहिए कि फिर से इंटरनेशनल बने और वहां पर करिए, तो हम लोग को अपनी तरफ से शुरू कर रहे थे, मान गए, कानून बन गया और उसके बाद शुरू भी हो गया। अब आज कल तो उसका विस्तार उत्तार नहीं हो रहा, तो उस समय की जो सरकार थी तो मान ही ली, अब अभी वाले तो कोई दूसरा कार्यक्रम उपक्रम करवाते हैं वहां, लेकिन अब तो जो बिल्डिंग बनाना था वो बिल्डिंग भी बन के अब तैयार हो गया, तो हम तो चाहते हैं कि और ज्यादा उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर से हो, तो ये भी करवाएं। तो एक एक काम को हम लोगों को जितना करना था वो सब तरह से हम लोग करवाते रहे हैं, तो आप सब लोगों को मालूम ही है, तो इसीलिए जितना भी हम लोगों को करना था ये सब के सब, और यहां पर तो आप लोगों को मालूम है ना है भाई कि बगले में आप देख रहे हैं कि यहां जो कुछ भी होता है तो कौन कौन सब एक एक चीज का हम लोगों ने इस्तेमाल किया है, जो हम लोग बनाए थे, तब अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर बनाया गया पटना में, अब अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर, और उसमें हम लोगों ने सबसे पहले क्या शुरू किया, सबसे पहले ज्ञान भवन बनाया, तो हम तो एमपी थे और दिल्ली में भी ज्ञान भवन था, तो मेरे मन में हुआ कि भाई यहां पर ज्ञान भवन बनवावे, तो ज्ञान भवन बनवाए, और उसके बाद
हम लोगों ने कहा कि भाई यही ना है सभागार, तो 180 को करीब करीब 200 का हिसाब करवा दिया। लेकिन फिर हुआ कि जब इसमें लोग आते हैं तो उसी समय हम लोगों ने कहा कि हम लोगों को बिहार में 5000 की क्षमता का हम लोग बनवाएंगे। आप बताइए, उसका नाम हम लोगों ने दे दिया बापू सभागार, बापू के नाम पर, तो वहां बन गया और सभ्यता द्वार बनाया जिसमें भगवान बुद्ध, अशोक, भगवान महावीर का शिलालेख, तो ये सब वहां करवाए। और जब सम्राट अशोक साहब के बारे में जब हो गया कि उनका हम लोग करेंगे, तो हम लोगों ने उसी का नामकरण कर दिया सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र। अभी बोल रहे थे सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र, हमने कहा वो केंद्र है, उसका नामकरण हम किए केंद्र। केंद्र सब तो कम से कम सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र, केंद्र क्यों किए हैं? इसीलिए कि यही के रहने वाले हैं। यहां की भाषा क्या है? हिंदी है, इसीलिए सम्राट अशोक कन्वेंशन के आगे केंद्र हमने उसका नामकरण किया। सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर नहीं, सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र नामकरण किया। हम तो राजगीर में करा दिए, उसका नाम कन्वेंशन सेंटर अभी दे दिए, तो हमने कहा नहीं, यहां का नाम हम कन्वेंशन केंद्र रखेंगे। तो ये हो गया सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र और उनकी मूर्ति बन गई। अब आप सोच लीजिए कि कैसा बढ़िया, कितने लोग आते हैं। अब इस देश में तो इतना बड़ा कहीं नहीं ना है जी, जो बापू सभागार बनाया 5000 की क्षमता का, अभी कहां है? बड़े बड़े राज्य हैं, अब बना दिया, अब सब है सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र। अब उसमें क्या क्या चीज है सब चीज को देखिए, आप कितने लोग आते और जाते हैं, कितना लोग कार्यक्रम करते हैं, इनके मूर्ति को भी तो देखने लायक है, देखेगा ना कि आखिरकार इन्होंने क्या किया था, इनका चेहरा पहले क्या कर रहे थे और बाद में क्या हुआ। तो हम तो आप लोगों से आग्रह करेंगे कि जो नहीं देखे हैं एक बार जाके एक बगड़े में लीजिएगा, जाने लगिएगा तो भी जाके देख लीजिएगा। बहुत लोग तो देखे होंगे, लेकिन जो नहीं देखे हैं जाकर के देखाइए, क्योंकि आप लोगों से राय लेकर के और राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही बड़े अच्छे लोग और एक्सपर्ट थे, उन लोगों को बुला करके अपने कहा कि मूर्ति को इस तरह से बनाना, तो जरा देख लीजिए कैसा है। तो हम लोग तो सब काम कर ही लगे थे और उनके याद में और बाकी चीज को और बुद्धिज्म को सब कुछ को, सब कुछ के लिए तो सब काम किए। तो इसीलिए हम लोगों की तरफ से तो जितना सब कुछ किया गया हम लोगों ने सारा सब कुछ कर दिया, और सब कुछ को पूरे तौर पर हम चाहते हैं कि आप लोग जैसे इसमें इस संख्या में हैं, पहले भी देखते थे, तो आप लोग सम्राट अशोक में आपको विश्वास है, तो आपको हम यही कहेंगे कि उन्होंने जो काम किया, एक तो पूरे जगह पर कब्जा किया, अब उस समय का कोई जो कितने राज्य थे, जितने राज्यों पर उनका था, आप समझिए आजकल हो गया है जो अखंड भारत पर शासन उसमें लगाए थे, अब हो गया है भारत के अलावा, अब तो पाकिस्तान अलग हो गया है, अफगानिस्तान, आप समझिए नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, ये सब इनके कब्जे में था। यह समझिए हम देश हमारा, अब बाकी कितना सब कुछ था, सब पर उनका था। और उसके बाद उन्होंने जो भगवान बुद्ध के बारे में उनको अच्छा लगा और उसका सब कुछ किया, तो हम लोग तो हर प्रकार से, जहां उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई राज्य, वो फिर दो बार टूटने की स्थिति तक आ गया था, तो इसीलिए जो कुछ भी हुआ और हम लोग भी इधर कुछ हो रहा था आज से कई साल पहले, तो हम लोगों ने पूरा ध्यान दिया। अब आप देख लीजिए कि वो कितना सब लग रहा है, कितना अच्छा है। और हम लोगों ने तो पटना में भी जो किया, तो पटना में भी जो हमने बनवाया है, तो आप सब जानते हैं कि आप पूरे तौर पर जो भी भगवान बुद्ध के नाम पर जो सब कुछ कराया, अब उनकी मूर्ति देखिए,
और जहां उनको ज्ञान प्राप्ति हुई वो सब गया वाला अपने कोई बुरा बोध गया वहां वाला, और फिर वहीं बाहर बाहर जहां लगाए थे तो सब बुद्ध स्मृति पार्क और सब जो यहां हम बनवाए बुद्ध स्मृति पार्क ये जो रेलवे स्टेशन है उसके ठीक बगल में, अब जाकर के देख लीजिए वो पहले जेल था। हम लोग भी जब यंग थे तो आंदोलन करते थे तो जेल हम लोगों को भेजा जाता था तो वही था पटना का जेल, उसकी वही जेल वाला। अब बाद में जेल को शिफ्ट हुआ तो जगह खाली था तो हम लोगों ने उसी के बारे में कहा कि कोई इधर उधर नहीं, तो इसलिए उसका नाम हमने दिया सम्राट अशोक नंदन। ये भगवान बुद्ध का, तो भगवान बुद्ध के नाम पर वहां स्थापित करा दिए। तो आप लोग जरा देख के उठी देख लीजिए कैसा सुंदर है और कितने लोग आते हैं। और पहले बुद्धिज्म का इंटरनेशनल मीटिंग जो होता था नहीं होता था इधर, आप समझ लीजिए वहीं पर अंतरराष्ट्रीय सब जगह के लोग आए थे और उनका मीटिंग करवाए थे वहां। तो एक एक चीज सब हो गया, उसके बाद आप लोग जब इनका सम्राट अशोक के बारे में सब कुछ कहे तब तो हो न गया जी। तो सम्राट अशोक और भगवान बुद्ध दोनों के बारे में देख लीजिए हर जगह, और राजधानी में ही देख लीजिए, पटना में ही देख लीजिए, सब तरह का इस्तेमाल किया गया। तो अब आप लोगों से तो हम एक ही चीज का आग्रह कि भाई अगर आप लोग इतने उत्साह के साथ इसमें शामिल हैं तो जरूर उनके विचारों को अपनाइएगा। और विचार को अपनाने का मतलब समझे बिना मतलब का झगड़ा नहीं करना है, आपस में प्रेम और भाईचारे का भाव रखना चाहिए, ये ध्यान जरूर। कई लोग तो नाम ले करके और तरह तरह का राजनीतिक चक्कर में रहता, कुछ फिरा में है, आप कुछ हाथ देखिएगा सचेत रहिएगा, कुछ ही दिन के बाद होगा तब आज तक सम्राट अशोक का तो हम लोग किए, अब आ जाएगा वहां से दिल्ली से और कहेगा सम्राट अशोक का हम लोग कर रहे, कुछ नहीं किया है, और कहेगा और क्लेम करेगा और उसके बाद कुछ जातियों को कब्जा करने में लगेगा। तो इस सब चक्कर से बचिएगा, जिसको जहां मन करे वहां जाए, हमको क्या करना है, लेकिन इन सब चीजों से बचिएगा। आजकल यही सब तो होता है, हम लोग कभी कहें जी इन सब चीजों को करने के बाद हम लोग जाति पर आधारित कोई बात करते हैं कभी, कभी नहीं करते, और सबके हित में वो तो सबके लिए थी। लेकिन कुछ लोग चक्कर में रहता है आजकल, जिनको आजादी से मतलब नहीं था, आजकल जिनको मौका मिला है वो बाएं दाएं करते रहेंगे, वो अलग चीज है, उसके चक्कर में हम यही आग्रह करें। और लोगों के बीच में समझ गए ना जी, समझा रहे कोई ठिकाना है, आपका में कई बटने सिखला जाए। अगर हम आप लोगों को आग्रह करें कि सचमुच अगर आपको सम्राट अशोक से लगाव है तो याद करिएगा सम्राट अशोक को, और भगवान बुद्ध से आपको लगाव है तो याद रखिएगा। और जो बाकी लोग करते हैं उनको किन्हीं से लगाव है जी, लगाव है अपने से लगाव है। बापू को भी जो खत्म कर दिए तो इसीलिए जरा देख लीजिए, इसलिए ध्यान रखिएगा, मैं इतना ही आप सब लोगों से आग्रह करूंगा। अब बाकी तो हम लोग सबके हित में काम करते रहते हैं, और यहां पर भी जो कम्मा करते हैं हम ही लोग जो करना रहता है करते हैं जी, कोई कहीं से हो रहा है सारा काम तो हम ही लोग करवाते हैं। केंद्र से कभी हुआ तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में हम लोग साथ थे, उसी समय बहुत कुछ हुआ, पूरे देश के लिए बहुत सारा सब कुछ किया गया, तो उनका नम्मा लेता है नाम लेता है सब कुछ लोग, एक दूसरे अपना नम्मा खाली प्रचारित करता है। जो जो काम किया किसी से लेना देना है तो खाली नम्मा सम्राट अशोक का ले लेगा, अब बाय दाय करने के चक्कर में आप कब्जा करने के खिलाफ कर रहे, इसलिए जरा सचेत रहिएगा। आप ताली बजा रहे हैं तो सचेत रहिएगा, और आपस में प्रेम और भाईचारे का भाव रखिएगा,
कभी लोग जो झगड़ा कराने के चक्कर में है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई हो, किसी भी धर्म के लोग हो, सब में प्रेम और भाईचारे का भाव और एक एकजुटता का भाव रहना चाहिए। ये करिएगा। अगर आप सम्राट अशोक क्लब चलाते हैं तो अगर सम्राट अशोक के बारे में थोड़ा भी है और जो भगवान बुद्ध ने किया, जो उनको माने हैं, तो कम से कम उनके विचार को याद रखिएगा, मौलिक विचार। आई लोग जो आजकल प्रचार करेंगे वो बुद्धिज्म से मतलब है, याद करिए ना, भगवान बुद्ध के काम से मतलब है, आप जरा सोचिए। इसलिए सचेत रहिएगा, सचेत रहिएगा ना, हाथ उठाइए। चलिए, तो जब हाथ उठा करके सचेत है तो सचेत करिएगा एकदम भगवान बुद्ध को और इनको पूरे तौर पर ध्यान रखिएगा। तो सब चीजों पर आपको आपको पूरा का पूरा आपसे अनुरोध है, और जो भी आप लोग कर रहे हैं करते रहिए, और पूरे तौर पर सब जगह जाकर के इसको लोगों को प्रेरित करते रहिए, और बहुत अच्छा लगेगा, सब लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और जो जो काम कराया जा रहा उसको देखते रहिए, और इसको भी अपनी तरफ से आप बुलाइएगा मत, आप ही लोग आकर शुरू कराए, हम उसी को आपका बात, आपकी लोगों का बात मान के ये सब कराए हैं, तो इसको भी याद रखिएगा, भूलिएगा मत।